ममता और बाबू को आज से स्कूल खोल चुका है तो जा रहे हैं। बारिश भी थोड़ा थोड़ा होने हो रहा है तो मौसम तो ठंडा ही हो गया है। चलो इधर देख करे। चलो आज तो बाबू और ममता भी खुश खुश जा रहे हैं। बाबू को मत छोड़ना हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मैं अभी साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि पूरा भाग गया है तो इसको फेंक देती हूँ। और इधर साफ सफाई पूरा कचरा कचरा हो गया है, देख सकते हैं आम का वजह से, तो इसको फेंक देते हैं। तो चलिए दोस्तों फेंकते हैं। मैं बात को छोटे से जो मेरा नहीं। दोस्तों नमस्ते, तो स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करीना ने शुरू की है और साफ सफाई करने शुरू कर दिए है। तो आम इधर लाते थे दोस्तों तो गंदा हो चुका था और सारे साफ सफाई भी आम हम लोग को सड़ने लगा था, मतलब उसको खा भी नहीं पाए और ना ही कच्चा को छील पाए। तो कच्चा भी पक चुका था, जो पका हुआ था वो सड़ने लगा था। तो ज़्यादा आम भी नहीं खाया जाता है क्योंकि खा नहीं होता है, और जितना खाना था उतना तो खा चुके थे, तो बहुत ही ज़्यादा था एक बोरी जैसा आम। जितना आम खाते हैं उतना आलसी लगता है तो ऐसा करीना का कहना है, लेकिन हमको तो इतना पता नहीं है। ऐसा ही लगता है। तो ऐसा कुछ हुआ दोस्तों, फेंक दी है और सफाई शुरू कर दी है आज सवेरे सवेरे। और बाबू और ममता तो स्कूल चल गए हैं जैसे कि आप लोग देख लिए। इधर सरफ उरफ सब लगाई है और हम लोग का भाई भी साथ में लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, ये देखिए ऐसा।
दोस्तों सारे सफाई सफाई हो गया है, सूख भी गया है, तो अभी कर लेते हैं नाश्ता। तो चलिए दादी माँ भी आई है, उसको भी देते हैं, नाश्ता करेगी कि नहीं। बैठी है अब, करीना जाने खिलाने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दादी माँ तो चाप है, नमस्ते आज नहीं करेगी लगता है, भूल गई, पहले तो करती थी। ये देखिए दोस्तों हम लोग का नाश्ता। तो ऐसा तोड़ते हैं तो दोस्तों ये पका हुआ है और कैसा स्वाद आने वाला है कुछ पता नहीं। यस तो इस बार, इस सीजन का पहली बार हम लोग खाएंगे कटहल पका हुआ। ये देखिए खाने में, और फेविकोल भी होता है दोस्तों कटहल में, फेविकोल जैसे लस्सा, ये सब लस्सा है, इसको साफ करना पड़ेगा। नहीं फूट रहा है, बस इतना ही रहने दीजिए, बहुत है, इतना ही खा लेंगे अभी। तो दोस्तों ज़्यादा खाने में ये पेट भी खराब होता है, पूरा फ्री हो जाता है। तो दोस्तों थाल में निकाल लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो सारे का हाथ, सबका हाथ में गद लगेगा, इसलिए करीना का में खाली लगे। अरे आराम से धो लेगी। बहुत है, इतना ही करीना। चलो खाओ जी। और ये गाय के लिए बन रहा है, और छोटा सा बांचा ही है करीना ममता बाबू के लिए। बुढ़ी तो दादी माँ बोल रही है उसमें नहीं खाऊंगा, कुछ अलग से दीजिए पत्ता में। नहीं खाइए कुदा, लाइए चेक करके देखते हैं। मैं तो चमचा अभी गद होगा। वाह पूरा मीठा है, जिलेबी भी करना। मजा तो है, मजा है। करीना तो खा रही है। तो खा लिए दोस्तों, मेरा भी बात हो गया। हो गया, अब इसको बच्चे सब कुछ लगा देते हैं फ्रिज में। इतना ही में हो जाएंगे। तो दोस्तों खाने में तो बहुत मजा लगा, और दादी माँ भी खा ली तीन चार, मैं भी तीन चार, करीना सबसे ज़्यादा खाई है, और बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा खाने भी मन नहीं करता है, मीठा होता है। तो आज का वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।